और मेरा नाम है माहीन, आप देख रहे हो Plus Reactions। और आज की जो वीडियो है, अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पर भी हम डिफरेंट कंटेंट आपके लिए लगाते हैं। या आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। यार जाओ जल्दी से, जब तक जो है वो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि देख लेते हो तुम लोग और जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, रोजाना चुप चुप के देख रहे होते हो। तो देखते हैं इस वीडियो को और फिर इसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई इस टॉपिक को लेकर कि टेस्ला को भारत में ये कहा गया है कि जो एप्पल की रणनीति है इसको कॉपी करो और इसी तरीके से आपको मेक इन इंडिया के रास्ते पे आगे चलना है। इस पर इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया ने बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है, एक ऐसे टाइम में जब टेस्ला की बातचीत चल रही है मेगा इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इंडिया में, ये जो डिमांड है कि आप एप्पल का मॉडल कॉपी करिए, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। और साथ ही साथ वैसे मैं आपको यही बता दूं, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस अपलोड करी थी कि चाइना की कंपनी है BYD, ये भारत में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। सिंस इनको इंडिया में काफी बार रिजेक्शन मिल चुकी है, अब इन्होंने भी कह दिया है कि हमको इंडिया में निवेश नहीं करना, हम वापस चाइना में जा रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने इसके बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था। तो ये जो कहानी है अभी के लिए खत्म हो चुकी है। मगर टेस्ला को हाल ही में क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, भारत की जो टाइगर पॉपुलेशन है लगातार बढ़ती जा रही है। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि आज के समय दुनिया में जितने टाइगर्स हैं उसका कितना परसेंटेज आपको भारत में मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 99, 10, 75 या फिर 69। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो अगर हम बात करें आईफोन के एक्सपोर्ट्स की फ्रॉम इंडिया, इंडिया में कितने आईफोन्स बेचे जा रहे हैं इसकी बात नहीं कर रहा, इंडिया में असेंबल करके बाहर के देशों को जितने आईफोन्स बेचे जा रहे हैं ना, इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोस्ट रिसेंट नंबर मैंने ये देखा था कि एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट्स हिट टॉप गियर, टच 20,000 करोड़ रुपीज इन फर्स्ट क्वार्टर। ये एक बड़ा अमाउंट है और जिस स्पीड से हम आगे जा रहे हैं ना, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर ये जो नंबर है ये आराम से 50,000 करोड़ या फिर 60,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और इस बीच आपने ये भी नोटिस किया होगा कि US में, यूरोप में कई आईफोन बेचे जा रहे हैं जहां पर ये लिखा होता है असेंबल्ड इन इंडिया। नाउ ये नोट करना, मेड इन इंडिया अभी भी लिखा नहीं होता, असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होता। और इसका रीजन सिंपली ये है, अभी भी देखो ऐसा नहीं है कि आईफोन के जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये इंडिया में बनाकर उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अभी भी आज के समय जो हम कर रहे हैं ना, ये असेंबल इन इंडिया है। और इसमें वैसे कुछ ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी एप्पल के सारे जो पार्ट्स देखोगे, इनका जो प्रोसेसर है ये देखो, जो इनका डिस्प्ले पोर्ट है, जो इनका फ्लैश मेमोरी है, जो इनके पास 5G का मॉडम है, जो कैमराज यहाँ पर यूज़ होती हैं, जो बैटरीज यूज़ होती हैं, ये दुनिया भर से इकट्ठा की जाती है, फिर एक कंट्री में इनको असेंबल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में आज के समय एप्पल आईफोन का कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, बिल्कुल छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, मगर ज़्यादातर एप्पल के कंपोनेंट्स बाहर के देशों से आते हैं और इंडिया में इनको असेंबल किया जाता है। चाइना में भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि चाइना में ये सब पार्ट सिर्फ चाइना बनाता है, चाइना में भी आप देखो तो ज़रातार ये असेंबल ही करते थे। मगर एप्पल ने इंडिया में एक काम अच्छा किया है कि इंडिया में बहुत सारे ये वेंडर तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टाटा को तैयार कर रहा है एप्पल, के बहुत ही जल्द टाटा भी इंडिया में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंबलर बन जाए। एक तो एप्पल का बड़ा वेंडर है फॉक्सकॉन, जो ताइवान की कंपनी है, वो तो इंडिया में आईफोन असेंबल कर ही रहे हैं, उसके अलावा ये टाटा ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कुछ और कंपनीज के साथ ही बात चल रही है, जिससे होगा क्या, भारत में नौकरियां आएंगी। देखो हमें इस बात को लेकर इतना कंसर्न नहीं है कि एप्पल आईफोन का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, मेन क्वेश्चन ये है कि इस पूरे प्रोसेस में भारत में कितनी नौकरियां आ रही हैं। और जो ये एप्पल आईफोन है इसके जितने कंपोनेंट्स आप इंडिया में बनाओगे बाय डिफॉल्ट उतनी नौकरियां आपको इंडिया में मिलेंगी। और आने वाले समय में आप देखोगे फॉक्सकॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में वेरियस कंपोनेंट प्लांट्स को बनाने में। जेन्युइनली एक टाइम आएगा जब एप्पल आईफोन के बहुत सारे कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे। नाउ मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही है कि भारत सरकार ने टेस्ला को भी सेम एग्जांपल दिया है
इंडिया में काम करना है, असेंबल इन इंडिया करना है, तो जैसे एप्पल कर रहा है वैसे करो। नहीं तो देखिए, इलॉन मस्क की ना एक इमेज है, ये खुद भी इस चीज़ को मानते हैं, यूएस में तो लोग बहुत मानते हैं कि ये रूल्स फॉलो नहीं करते और काफ़ी बार रेगुलेशन से ना चुपचाप निकल कर अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। आप लिटरली CNN में, उसके अलावा फॉक्स न्यूज़ में इनके बारे में आर्टिकल पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा होता है कि इलॉन मस्क ने फिर से साबित कर दिया कि रूल्स इन पे अप्लाई नहीं होते। जिस तरीके से इन्होंने SpaceX खड़ी करी है, कहानी अपने आप में अजीब है। आप इमेजिन करके देखो, इनको SpaceX के लिए रॉकेट चाहिए था, इन्होंने उस टाइम रशियन फेडरेशन का जो पुराना रॉकेट था ना वो कहीं से परचेज करके इन्होंने ये US लेकर आ गए और रेगुलेशंस को बहुत ही क्लेवरली अवॉइड करके SpaceX खड़ा कर दिया। आज भी लोग SpaceX की जो कहानी पढ़ते हैं, उसका ओरिजिन पढ़ते हैं, बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। तो इलॉन मस्क का बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो भी कंट्रीज इनके सामने रूल्स बनाती है, रूल से थोड़ा बहुत साइड होकर ये अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और भारत में भी टेस्ला का सेम आइडिया था, इनका प्लान यही था कि अच्छा चलो अभी US गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत प्रेशर है कि जी इंडिया की तरफ ज़रा मूव करो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज़रा शिफ्ट करो, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना यहाँ पे पैसा बचाते हैं अपना, इंडिया में निवेश करने से अच्छा ये है कि चाइना से ना बड़े बड़े कंपोनेंट्स सीधा इंडिया में लाते हैं, इंडिया में छोटी सी फैक्ट्री बनाएंगे, वहाँ पे उनको असेंबल कर देंगे, कह देंगे देखिए असेंबल्ड इन इंडिया टेस्ला कार तैयार हो गई, भारतीयों को कहेंगे कि देखिए ये आपके देश में बनी है, और लोग भी वो गाड़ियाँ परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए टेस्ला का प्लान था, मगर सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से फॉक्सकॉन को एप्पल घसीट के इंडिया लेके आया है कि बनाओ यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी होगी, टाटा ग्रुप को तैयार किया जा रहा है कि आप भी एक इम्पोर्टेंट वेंडर बनिए, सेम काम आपको करना है। अब इसमें देखो बिल्कुल सरखपाई है, इंडिया में आज के समय कोई इकोसिस्टम अभी अवेलेबल है नहीं कि टेस्ला के लेवल की गाड़ियाँ आराम से बन पाए, इनको पैसा खर्चना होगा, टेस्ला को पैसा खर्चना होगा, स्टार्टअप्स के साथ एग्रीमेंट्स करने होंगे, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, स्किल्ड वर्कर्स खड़े करने होंगे, इनका पैसा लगेगा, दिमाग लगेगा, मीटिंग्स लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंडिया यही कह रहा है मेहनत करो, ऐसा नहीं है कि चाइना के कंपोनेंट यहाँ पर ले आए, असेंबल कर दिया और सब कुछ चल गया। हाँ मैं ये भी ऐड कर दूँ कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच जो पूरी टेस्ला की गाड़ी है ये इंडिया में बनेगी, इंडिया में तब भी उसको असेंबल किया जाएगा, बट एटलीस्ट कुछ कंपनीज के पास तो स्किल आएगी कि टेस्ला के जो पार्ट्स है ये बनाते कैसे हैं, इसके कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं। और अगर आपको मेरी बातें सुन के निराशा हो रही है कि मैं एब्सोल्यूट बात क्यों नहीं करता, मैं 100% मेक इन इंडिया की बात क्यों नहीं करता, ये असेंबल इन इंडिया क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने PIB के थ्रू ये बताया था कि असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें मेक इन इंडिया में तो इंडिया का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है, एक्सपोर्ट मार्केट शेयर, ये बहुत ज़रा बढ़ जाएगा। टारगेट ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इनटू मेक इन इंडिया कैन रेज इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट शेयर, जो उस वक्त 3.5% के आसपास था, इसको हम 2030 तक 6% के आसपास ला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, रातों रात इंडिया में सब कुछ नहीं बनेगा, कई सेमीकंडक्टर हैं जो ताइवान में ही बनते हैं, अभी के लिए तो ताइवान में ही बनते हैं, बाद में अब पता नहीं आज से 2-3-4 साल बाद इंडिया में बनने स्टार्ट हो जाएं बड़ी क्वांटिटी में, वो अलग बात है। डिस्प्ले ग्लासेस की अगर हम बात करें, इन सब की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट होने में अभी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है जहाँ पे बताया जा रहा है कि टेस्ला को कहा गया है कि अभी के लिए ना अगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, हम तो बिल्कुल लॉस्ट हो गए, इंडिया में तो अभी कोई इकोसिस्टम नहीं है, जैसे एप्पल ने अपने पैर जमाए हैं, एप्पल के लिए भी मुश्किलें कम नहीं थी, मगर इन्होंने सोल्यूशन निकाले ना, वैसे ही तुम भी सोल्यूशन निकालो। तो अब देखना ये होगा कि टेस्ला क्या इस बात को लेकर एग्री करता है, क्या ये एप्पल की ही तरह इंडिया में धीरे धीरे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं, या फिर एक टाइम पे आकर ये कह देंगे कि इंडिया इज़ टू डिफिकल्ट, अभी हम तैयार नहीं हैं, हम पीछे हो जाएंगे। तो ये भी हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको ये भी कह दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि टेस्ला कह दे कि अभी टाइम लगेगा, हम देखेंगे वगैरह, क्योंकि इनको इंडिया में प्रॉपरली मूव करने के लिए बिलियंस खर्चने होंगे। तो ये टॉपिक देखो बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा देखना कि टेस्ला इंडिया में आता कैसे, इनके वेंडर कौन बनते हैं, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन पर कि इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है ये हाल ही में 24% और बढ़ गई, और दुनिया में अब टाइगर पॉपुलेशन जो है उसका कितना परसेंटेज इंडिया में है। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 75%। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया इज नाउ होम टू 75%।
एमसीक्यू से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिल जाता है, है ना? अच्छा कवर है। एलॉन मस्क काफी मुश्किल आदमी लगता है मुझे, क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी एलॉन मस्क का कोई इंटरव्यू आ रहा होता है या फिर एलॉन मस्क कोई जो है ना बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा कोई जो है ना उनसे ऐसी वाई बात है कि ये एक मुश्किल तरीन इंसान है, कोई बात नहीं होती। ये जो वीडियो में बताया ना कि आप इंडिया के अंदर जो है वो करने वाले, तो या तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो इंडिया के अंदर अब बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है, हो रही है, मजीद जो है ये हो रहा है, लेकिन एज ही सेड अर्लियर कि हर चीज़ अब ये चुटकी बजा के और रातों रात नहीं हो सकती, इट टेक्स टाइम, अब इसमें टाइम लगेगा। और ये जो असेंबल वाली इन्होंने बात की ना, ये भी काफी अपने आप में एक बड़ी बात, बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि ये इसको हम कोई उस तरह से ना देखें और ना ही निराश होने वाली बात है। एग्जैक्टली, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि एक चीज को असेंबल किया जा रहा है इंडिया में। तो आई गेस जब आप असेंबल तक की सिचुएशन को पहुंच गए या असेंबल तक की आप उस पर पहुंच गए, तो आप आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग पर भी जा सकते हो। बट इट टेक्स टाइम अगेन के आपको एक अपना पूरा सिस्टम डेवलप करना होगा, जैसे कि टेस्ला को परेशानी लाख हो रही है या फिर वो कह रहे हैं कि आप एप्पल की कॉपी करो। तो एप्पल जो बात है कि इंडिया में एप्पल का एक बहुत ज़्यादा क्रेज भी रहा है और एप्पल ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्रो किया है इंडिया में। उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि वो आए और उन्होंने पूरी इंडिया में जो है एप्पल को फैला दिया, एप्पल स्टोर्स को और सारी उसकी चीज़ों को, और फिर अब वो सैम्पलिंग भी हो रही है यहाँ पर। तो आई थिंक इसी तरीके से जो टेस्ला है उसको भी करना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि इंडिया के जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या जो चीज़ें हैं उसके अंदर टेस्ला कहाँ से कैसे फिट इन होगी, बिकॉज टेस्ला एक बहुत ही लाइक एक टॉप नॉच कार है, इट्स ड्राइवर लेस बैटरी से, और आई थिंक इससे पेट्रोल की भी बहुत ज़्यादा सेविंग होगी। और जो चार्ज हो जाती है, एक पॉइंट था ना कि इन चीज़ों से जो एक बात उन्होंने कही कि नौकरियों के मौके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। Exactly, जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नौकरियों के जो चांसेस हैं वो और मजीद ज्यादा एनहांस हो, बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इससे क्योंकि आपकी बहुत सारे रिसोर्सेज की भी बचत होगी फ्यूल वगैरह की, क्योंकि वो चार्ज हो जाती है तो आपको उस गाड़ी में पेट्रोल डालने की भी जरूरत नहीं है, फ्यूल डालने की भी जरूरत नहीं है, और किसी ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे वहाँ मतलब उस पर ड्राइवर बैठ ही जाता है कि लाइक क्योंकि एक इंसान को वो होता है कि लाइक इज इट वर्किंग और नॉट, बट इफ़ यू कैन इफ यू डोंट हैव एनीवन तो आप अकेले जा सकते हो। तो आई थिंक ये वाला जो फैक्टर ना, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कि जैसे टेस्ला बाहर यूके यूएसए में चलती है, लाइक उनके रोड्स और उनकी ट्रैफिक का सीन है यहाँ पर कैसे इंडिया वो मेंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक के डिफरेंट सीन है और डिफरेंट टाइप का इनका थोड़ा बहुत है, क्योंकि वैसे तो काफ़ी मेंटेन हो गया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हमारे, लेकिन थोड़ी बहुत इस बात में वो है कि अब किस तरीके से टेस्ला मेंटेन करेगी। बट पहले तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि टेस्ला पहले जो है वो असेंबल कैसे होगी इंडिया में, मतलब टेस्ला के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगी गाड़ी है, उसके लिए काफ़ी महंगा सेटअप। अभी तो ये एक विजन एक बात आई है और अब उसके ऊपर देखो इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, प्लानिंग के बाद जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तो देखो उसको किस तरह से ये आगे लेके चलते हैं। और क्या वो इतने ज्यादा लाइक रिस्क टेकर है कि वो एप्पल की कॉपी करेंगे या वो कहते कि नहीं फिलहाल हम यहाँ पे कोई भी वो नहीं कर रहे और अभी हम लोग जो है ना इस पोजीशन या बीच में हम बीच में भी वो जो है ना हट सकते हैं। हाँ हट भी सकते हैं, बट ये काफी न्यूज इन होने वाली है, अगर ये आ गए इंडिया में तो काफी बूम होगा, कमाल हो जाएगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा बूम होगा एक इकोनॉमी में। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। या तो इसी के साथ ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।